हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है वो है सोनेट HTX 7DCT वेरिएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको 7DCT का आपको यहाँ पे बैशिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी गियर बॉक्स महंगा आता है, जो कि IVT के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर हम इस गाड़ी के बारे में बात करें तो ये, अगर आप फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको कैरेक्टर लाइंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एयर कटिंग में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाता है, LED DRL मिलता है, बट येलो लाइट मिल जाता है यहाँ पे आपको देखने के लिए। और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको 3 चेंबर में LED हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि काफ़ी इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, और नॉर्मल हैलोजन या फिर प्रोजेक्टर लैम्प से। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बोल्ड लुक प्रोवाइड कराने वाला टाइगर नोज ग्रिल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डायमंड नर्लिंग पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है। कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्टर में आपको प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। और साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दोनों कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा देखने में लगता है। यहीं पर आप देखेंगे तो स्किड प्लेट डुअल टोन में मिल जाता है, जो कि एज इट इज़ आपको मिलता था, पहले भी डुअल टोन ही आती थी गाड़ी में। साथ ही साथ अगर इसके एक्स शोरूम की बात करें तो यहाँ पर जो हमें एक्स शोरूम मिलने वाला है वो 11,99,000 में मिलेगा। और अगर इसके ऑन रोड की बात करें तो यहाँ पे जो ऑन रोड मिलता है वो 13,86,000 में आपको ऑन रोड मिल जाता है, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फास्टैग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको, वो सारी चीज़ें 13,86,000 में आपको ऑन रोड प्रोवाइड की जाती है। और अगर बात करें इसके पावर की तो यहाँ पर जो हमें इंजन मिलता है वो 1000cc का इंजन देखने के लिए मिलता है, और इसमें जो पावर आपको मिलता है वो 120 BHP का पावर मिलता है, 120 ब्रेक हॉर्स का पावर देखने के लिए मिलता है। और इसके टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे 172 Nm का टॉर्क आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको गाड़ी आप ड्राइव करेंगे स्पोर्ट्स मोड में तो आपको काफ़ी ज़्यादा पंच फील होने वाला है। लेंथ की अगर बात करें तो 39-95 mm का इसमें आपको लेंथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मतलब एक कॉम्पैक्ट SUV, फुली कॉम्पैक्ट SUV बनाता है इसको। साथ ही अगर साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस का हाइपर मेटालिक अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, जो कि आपको बाकी अदर गाड़ियों से काफ़ी अलग बनाता है इसको, जो कि हम लोग इसको क्रिस्टल कट अलॉय व्हील बोलते हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टायर का मेजरमेंट भी लिखेगा, 215/60 का आपको टायर साइज़ मिल जाता है। यह व्हील आर स्लाइडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मड से तो बचाता है, ये साथ साथ कोई भी इम्पैक्ट अगर इसके बॉडी पर आती है तो वो पहले क्लाइडिंग पर आता है, ना कि हमारे बॉडी पर आता है। और यहाँ पे आपको ऑटो एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, जो कि टर्निंग इंडिकेटर के साथ आता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और ये आप बैठे बैठे ही अंदर से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप ड्राइवर साइड में देखेंगे तो पुश बटन एंट्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जस्ट आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और जहाँ यहाँ पर जस्ट इसको एक बार होल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपकी गाड़ी लॉक एंड अनलॉक दोनों चीज़ आप जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप ड्राइवर साइड में अगर देखते हैं तो आपको ORVM फोल्ड एंड अनफोल्ड करने का यहाँ पे बटन दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। पावर डोर लॉक, चारों पावर विंडो मिल जाता है, ड्राइवर साइड 1 टच अप एंड डाउन विंडो देखने के लिए मिल जाता है आपको, और यहाँ पर विंडो लॉकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ तो यहाँ से आप अपना विंडो को लॉक करके हैसल फ्री ड्राइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सॉफ्ट टच में हैंडरेस्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो अम्ब्रेला स्टोरेज देखने के लिए आपको मिल जाता है, वाटर बोटल स्टोरेज दिया जाता है, यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, आर्किमिडीज़ के स्पीकर्स और आर्किमिडीज़ के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इसके सीट्स की तो यहाँ पर जो आपको मिलता है वो लेदर और फैब्रिक फिनिश में आपको सीट्स देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेदर एंड फैब्रिक फिनिश में आपको सीट्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है, डुअल टोन में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 6-way एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, जो कि आपको हाइट एडजस्टेबल के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे करके। रिक्लाइन तो आपको पता ही होगा, और यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बीम कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप कर सकते हैं, हर गाड़ियों में आता है। यहाँ पे ISG का ऑप्शन ऐड किया गया, जो कि ISG इन द सेंस बोले तो, अगर मान लीजिए आप कभी भी ट्रैफिक वाले सिचुएशन में ट्रैवल कर रहे हैं
तो मान लिया ट्रैफिक लग जाता तो आपकी गाड़ी बंद रहती, दोबारा से आपको क्लच लेके ब्रेक लेके स्टार्ट करना होता। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही मतलब गाड़ी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली सेंस करके, और जैसे ही आप एक्सीलेटर वाले पैडल पे या फिर ब्रेक पैर रखेंगे तो आपकी गाड़ी वापस से फिर ऑन हो जाएगी, रनिंग मोड में आ जाएगी। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टेयरिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डी कट स्टेयरिंग देखने के लिए मिलने वाला, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है और लेदर फिनिश के साथ आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 7DCT, तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं माइनस का आपको शिफ्टर मिल जाता है और यहाँ पर प्लस का आपको शिफ्टर देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पर आप देखें तो क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने के लिए हमें मिल जाता है, जो कि आप क्रूज़ को सेट करके एक लिमिटेड स्पीड तक आप इसको सेट करके ट्रैवल कर सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली, मतलब आपको एक्सेलरेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉइस कमांड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से मोड आप यानी कि FM वगैरह सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, और अगर स्पोर्ट्स मोड भी चलाना चाहें तो यहाँ से भी आप मोड चेंज करके चला सकते हैं। यहाँ पर आपको सोनेट की बैशिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे आप बात करें इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है वो 8.25 इंचेस का देखने के लिए मिलता है, और अगर आप इससे अपर वेरिएंट जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल बताने वाला सारा चीज़ आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं पर आप देखें तो ऑटो क्लाइमेट AC मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे फैन का कंट्रोल सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और डुअल टोन में इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और आप यहीं पे देखेंगे तो सनग्लास होल्डर मिल जाता है, आपको केबिन लाइट मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनरूफ भी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि 13 लाख के सेगमेंट में आपको बहुत कम ही गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे गियर शिफ्टर मिल जाता है, क्योंकि आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब मैनुअली अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप यहां से शिफ्ट कर सकते हैं। आपको ड्राइव पे आना होगा, उसके बाद यहां से आपको राइट टिल्ट करना होगा, तो आप स्पोर्ट्स मोड पे आएंगे और यहां से आप गियर को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पे 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है, USB केबल भी मिल जाता है। यहां पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, और यहां पे बॉटल रखने का या फिर कैन रखने का स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही पैसेंजर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनशेड कर्टन मिल जाता है, जो कि आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। साथ में एक मतलब आपको शीशे पे ब्लैक फिल्म लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट मिल जाता है पावर विंडो के साथ, और यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि डुअल टोन में होता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है दिखाने। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाकी अदर कंपनी में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। 3.8 सीट बेल्ट मिल जाता है, आइसोफिक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको बेंच फोल्ड का सीटिंग ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इस पूरे सीट को फोल्ड करके आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रियर अभी AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाता है, एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे देखने के लिए, और एक वॉलेट होल्डर या फिर कोई भी आप सामान मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीट में पीछे पॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही इसके अगर रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल फोन एंटीना से। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे तो हैलोजन में आपको हार्ट बीट टेल लैम्प मिल जाता है, जो कि कनेक्टेड रिफ्लेक्टर के साथ आता है। यहाँ पर आप देखें तो 180 डिग्री का आपको पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जो कि डायनेमिक गाइडलाइन के साथ आप जैसे जैसे स्टीयरिंग मूव करते हैं वैसे वैसे वो गाइडलाइन मूव करता है और आपको इंडिकेट करता है या फिर गाड़ी इस पोजिशन पर जाकर रुकेगी। सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपको डुअल टोन में मफलर डिज़ाइन में आपको स्किड प्लेट मिल जाता है देखने के लिए। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे जो है बूट स्पेस मिलता है वो 392 लीटर का मिलता है, बाकी अगर सेगमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 328 लीटर या फिर 350 मैक्स टू मैक्स जाता है, जो कि कॉम्पैक्ट SUV में सबसे ज़्यादा हमारी गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।